ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 रविवार, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाप दादा की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1992। मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। कर रहे हैं ना हम सभी सफल अपना सब कुछ, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सबन संपर्क। कहें हाँ जी बाबा। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सत्वप्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं वा एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, नव वर्ष की नहीं परंतु आने वाली नई सतयुगी दुनिया अर्थात नवयुग की मुबारक देते हैं ना हम सभी। हाथ ऊपर करें। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया की आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सत्वप्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नहीं ना। नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना सभी? बन गए सभी अधिकारी? कहे हाँ जी बाबा। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। अटल है ये भावी, निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है। निश्चित है ना? वह कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी संकल्प आता है क्या ऐसा? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है। अटल अचल है सभी अचल और अटल? हाथ ऊपर करें। तो इस गोल्डन गिफ्ट हम तो जो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी है, अब आप क्या करेंगे उसका? औरों को देंगे? अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। अल्पकाल की जो चीज वस्तु होगी उसको देंगे तो वो तो समाप्त हो जाएंगे ना, परंतु ये तो अखूट है, जितना देते चलेंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। कितनी सुंदर गिफ्ट है ना। बाबा कहते हैं 3/4 कल्प, अर्थात सत्युग त्रेता में तो सुख संपन्नता है ही, परंतु द्वापर में भी हमें सुख संपन्नता प्राप्त होती है। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस कलयुग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है।
इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हैं। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो, आए हैं ना सभी नया वर्ष मनाने के लिए? खुशी से कहे, हाँ जी बाबा, हम नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा ये नवयुग नववर्ष? तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? हमारे लिए तो हर दिन नए युग का नए दिन है। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा क्या? आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठते श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे, फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा, मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा, ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा, पक्का निश्चय हो इस पर, डबल अंडरलाइन कर ले। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। बहुत अटेंशन चाहिए, हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क कुछ भी व्यर्थ न जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फूल अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। सत्युग में फुल समय राज्य अधिकारी होते हैं ना, तो यहाँ जितना फुल समय सफल करेंगे, फुल संकल्प, फुल धन, फुल तन मन संबंध संपर्क सफल करेंगे, उतना बाबा कहते हैं वहां पे भी हम फुल राज्य अधिकारी बनेंगे। तो विशेष अटेंशन अपने समय पर, एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल है। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का हजार गुना अटेंशन, एक गुना का हजार गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार के सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो,
उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जर्जीत्रों का गायन सर्व गुणमूर्त संपन्न देवता है। इसी रूप में हो ना सभी, संपूर्ण देवता के रूप में आज भी आपका गायन और पूजन हो रहा है, आपके गुणमूर्त स्थिति का यादगार। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो, समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना, इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। करेंगे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना, भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। हाँ, सत्युग में भी कृष्ण का भी जो टाइटल है वो, हाँ, एक सिनोनिम जो है मुरलीधर है, तो मुरली से प्यार रहा ना, तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी, डबल अंडरलाइन। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी क्या है? जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं बाप समान बनाना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है, चेक करो कि ये शब्द संकल्प कर्म ब्रह्मा बाप के समान है, ब्रह्मा बाप के समान है तो प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो, कितनी सूक्ष्म चेकिंग है ना। तो पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो, ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं, ये तो अलबेलापन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया, चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से, अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले करते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, जो पहले ये कहते थे ना कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजिशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकेंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक
तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। हाँ, अंधकार को निकालो ऐसा सोचते रहेंगे तो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और मेहनत भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंधकार ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना सोचने से, रोशनी की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेहनत नहीं करो वेस्ट सोचने में। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे, लेकिन सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर वन प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर वन बनेंगे, डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर वन बनेंगे। हाथ ऊपर करे जो सोचते नंबर वन बनेंगे। नंबर वन कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। डबल अंडरलाइन, लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर वन बन जाए तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर वन बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। परमात्म सिद्धि तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है ना। संकल्प किया स्टॉप और तुरंत सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टॉप हो जाना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं इतनी शक्ति है या स्टॉप कहने के बाद भी एक दो दिन भी लग जाते हैं तो एक घंटा दस घंटा भी लग जाता है। बुद्धि उसी में रमण तो नहीं करती ना। स्टॉप तो स्टॉप, डबल अंडरलाइन कर इस वाक्य को, जैसे स्टॉप का संकल्प वैसे स्टॉप। तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा कितनी सुंदर बात कही बाबा ने? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं, तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता तो हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी डिग्री के आगे वो डिग्री क्या है। लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है जो ये धर्मात्माएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी
थोड़ा बाहर की बहु रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। अंदर से समझते हैं, कहते भी है, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का है, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजय माला क्या है? हमारी निशानी है ना, कल्प कल्प विजयी हुए है उसकी। विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। हे हाँ जी बाबा, इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें हाँ बाबा कहते हैं इसमें घबराने की क्या बात है। बिल्कुल भी ऐसा संकल्प ना आए कि अभी समय तैयार, अभी इतना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, कहे हाँ जी बाबा। या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है, ये तूफान ही तोहफा बनेगा, डबल अंडरलाइन, तूफान है तो हमारे लिए तोहफा बनना है, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो तूफान आए तो बिल्कुल भी संकल्प ना चले कि ये बीमारी, ये पेपर, हाँ ये परिस्थिति मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। तूफान आया है हमारे को अचल अडोल बनाने के लिए, अर्थात निश्चय बुद्धि से विजयी बनाने के लिए। तूफान आया है तोहफा लेकर, तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो है ना सभी ऐसे ही निश्चय बुद्धि विजयी, हाथ ऊपर करे, सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर दादियों से मुलाकात है। बाबा कहते ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। ये गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है, संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है। तो अभी माइक तैयार करने हैं, ये अर्थात राजस्थान के राज्यपाल आए थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। तो वह कहते ये सैंपल है,
फिर भी माइक तैयार करने में भारत में नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा ना। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो सुमान हमारा अभ्यास करने के लिए, लिखने के लिए, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन चलते फिरते क्या अभ्यास करेंगे कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। स्वयं को बाप दादा की छत्र छाया में अनुभव करें और यही महसूस करें। कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण बाबा देते हैं, जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा अधिकार प्राप्त करने का सहज साधन प्यार से, दिल से कहना मेरा बाबा, बाबा के साथ कंबाइंड रहकर। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। बन गए ना हम तीनों लोगों के अधिकारी, कहे हाँ जी बाबा। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। मिल गया सभी को 21 जन्मों का गारंटी कार्ड, हाथ ऊपर करें, मुबारक हो। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया है। जैसे सब कुछ मिल गया हो उसे कितनी खुशी रहेगी। तो यही खुशी, अलौकिक खुशी और नशा हमें हर समय हर घड़ी रहे। आज का स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधन हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, उस पर हमारी साधना डिपेंडेंट न हो। ठीक है, ये बहुत सहज रूप से हम अभ्यास अभी बढ़ाएंगे ना, तो अंत समय में इसका बहुत काल का अभ्यास अवश्य ही यूजफुल होगा। साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए। Thank you.
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 9:45 बजे और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में और सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। ओम शांति, शुभ दिवस।